सब्सक्राइब कीजिए यास्मीन हुमा खान को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो एंड वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। आज मैं अपनी किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रारा बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और घर में बनाना इसको बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 750 ग्राम हमने चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमने 350 ग्राम चिकन मिंस लिया हुआ है, इसे भी अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। और मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट है। और गरम मसाले में मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 10 से 12 लौंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, छोटा सा पीस ये हमारे पास नटमेग का है, 5 से 6 छोटी इलायची, 2 पीस लेमन स्टिक्स के हैं और 2 ब्लेड हमारे पास मेस के हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर, आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें, और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, 200 ग्राम दही और 150 ग्राम क्रीम है, इसे आप चाहें तो अमूल की भी ले सकते हैं, मैंने दूध की मलाई यूज़ की है। एक छोटा बाउल हरा धनिया, इसे हम कट कर लेंगे, और एक छोटा बाउल ही पुदीना है, इसे भी हम कट कर लेंगे, इसे मैंने वॉश करके रखा हुआ है। और 2 मीडियम साइज़ की अनियन, इसे मैंने फाइन चॉप स्लाइसेस में कट किया हुआ है। सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम दूसरे बाउल में अपना चिकन कर लेंगे। हाफ रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे, आधा हम बचा देंगे, आधा ही कोरिएंडर पाउडर यूज़ करेंगे, आधा बचा देंगे, हाफ ही सॉल्ट यूज़ करेंगे, हाफ बचा देंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट सारा मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, जीरा पाउडर और ऑरेंज रेड फूड कलर यहाँ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। चिकन को मसाले के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने आधा दही भी यूज़ किया है और आधा बचा दिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें हमने सारे जो खड़े मसाले हैं इनको हल्का सा रोस्ट करना है और स्लो फ्लेम पर करना है ताकि इसका जो खुशबू है ज़्यादा उड़े नहीं। तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये स्लो फ्लेम पर करना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हमारे सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। 200 ml कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में गर्म कर लिया है और अब इसमें हम सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे और अनियन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, लाइट गोल्डन ब्राउन हुई है ये, इसमें अब हम डाल देंगे चिकन। ये हमें 15-20 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भून लेंगे इसको और कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे और उसके बाद में हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, सारे टमाटर ऐड कर देंगे और जो मसाले हमने बचा करके रखे थे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया और 2 मिनट के लिए इसे पका भी लिया है। अब
अब इसमें तकरीबन हम 100 ml पानी डालेंगे और इसे हाफ डन होने तक कुक करेंगे। उसके बाद में हम कीमा ऐड करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट और पका लेंगे कवर करके। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट हो गए हमारे चिकन को पकते हुए, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। और इसमें जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। और इस जगह पर हम ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के साथ हमने कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसमें अब हम 1 tablespoon के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और 5 मिनट इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि कीमा हमारा अच्छे से टेंडर भी हो जाए और उसके अंदर जो स्मेल बाकी होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में हम इसे खोल कर भूनेंगे, तो इसे कवर कर देंगे अब हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 7 मिनट हो गए हमारे सालन को पकते हुए, तो हम चेक कर लेंगे। चिकन में से जो पानी था वो हमारा खुश्क हो चुका है और अब इस पे हम ऐड कर देंगे पुदीना और हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ साथ इस पे अब हम क्रीम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा गल चुका है, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, दोनों चीज़ें टेंडर हो गई हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। इसका मतलब यह है कि ये पकने के बिल्कुल एंड पर है। इसे अभी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे, ताकि पुदीने और हरे धनिए की जो खुशबू है इसके अंदर अच्छे से एब्जर्व हो जाए। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अब इसे हम 5 मिनट और दम पर रख देंगे। हमारे सालन को दम पर रखे हुए 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं, अब इसे हम चेक कर लेंगे। ये एकदम से तैयार है, बहुत शानदार टेस्ट हुआ है इसका। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन रारा बन करके तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसको पराठे के साथ में या बटर नान के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।